आज इस कड़ाके की ठंड में लगातार 16 दिन से पटवारी कानून को पूरे हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य मांगे सरकार को पहले ज्ञापन के माध्यम से भेज दी गई हैं। मुख्य मांग हमारी यही है कि पटवारियों के जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, पटवारियों की नियमित भर्ती की जाए। हमारी जो वेतन मांग की मांग है जो पिछली जनवरी 2023 से पेंडिंग पड़ी है, सरकार जो है बार बार वादा खिलाफी कर रही है, उसको जल्द से जल्द लागू करके 1/1/2016 से नेशनली लागू किया जाए। पटवारियों की जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं, जो कानूनगो की नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा हर साल में 2 बार करवाने का जो प्रावधान है वो पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको जल्द से जल्द करवाया जाए। जो हमारे रिक्त पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्ती करवाकर आमजन को भी और पटवारियों को भी राहत प्रदान करने का काम सरकार करे, हम इस उम्मीद में पिछले 16 दिनों से जिला मुख्यालयों पर सभी बैठे हुए हैं। ये हमारा आज सांकेतिक कार्य बहिष्कार का 5वें चरण का 2रा दिन है और अगर सरकार नहीं मानती है तो ये हमारा धरना प्रदर्शन इसी रूप से आगे बढ़ता रहेगा। क्या नाम आपका? मैं सनी पटवारी, राज्य कोषाध्यक्ष, दी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा। जनवरी 2023 को वादा किया था, हम उसको सरकार से लागू करवाने की मांग करते हैं। सरकार ने वेतन विसंगति लाकर 4 बैच के पटवारियों को 1 पे स्केल पर ला दिया। 2016 बैच के पटवारियों का ACP भी लैप्स हो गई और उसके साथ ही सभी बराबर हो गए और पिछले पटवारियों को कोई फायदा नहीं है। सरकार ने एक झूठा आडंबर लोगों को दिखा दिया कि हमने 7,000 रुपये की वृद्धि कर दी, जबकि पटवारियों के सिर्फ 700 रुपये की बेसिक वृद्धि हुई है। तो हम इस धरने के माध्यम से सरकार को इसकी तरफ वेतन विसंगति को दूर करने के लिए दरखास्त करते हैं और जो हमारी विभागीय परीक्षा समय पर होनी चाहिए साल में 2 बार, उसके लिए मांग करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है जी, पूनम पटवारी हूँ मैं और जिंद तहसील में कार्यरत हूँ। विशेष रूप से आज इस प्रदर्शन के अंदर भागीदारी लेते हुए सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी साथी व पटवार व कानूनगो एसोसिएशन के नेता व कर्मचारी व मातृ शक्ति, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ ने आह्वान किया है जो 3 जनवरी से पटवार व कानूनगो एसोसिएशन ने हड़ताल की है। सर्व कर्मचारी संघ उसका समर्थन करते हुए उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। समय रहते या तो प्रदेश के मुखिया पटवार व कानूनगो एसोसिएशन के राज्य कमेटी से वार्ता करके जो इनकी जायज मांग है उसका पूरा कर दे, अन्यथा पूरे हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी आने वाले आंदोलन या हड़ताल के अंदर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। पूरे प्रदेश के जनता के हिस्से को भी जो हमारे साथी हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं, आने वाले समय में यह विभाग आपके बेटा बेटी भाई बहनों के लिए पक्की रोकी नौकरी पर जाए उसके लिए आंदोलन लगातार कर रहे हैं। कई साथी कह देते हैं कि कर्मचारी अपने मुद्दों को लेके, हम बताना चाहते हैं जनता के हिस्से को, जो कौशल की बीमारी, जो पढ़े लिखे रोजगारों के साथ जो कच्ची भर्ती करने के लिए एक कच्चा निगम बना दिया उसको भी सर्व कर्मचारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम चाहते हैं पूरे प्रदेश का पढ़ा लिखा रोजगार साथी विभागों के अंदर पक्की भर्ती के रूप में कार्यरत रहे, उसके लिए भी सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया है। साथियों 4 फरवरी 2024 को रोहतक के अंदर एक राज्यव्यापी रैली करने जा रहा है। हम बताना चाहते हैं उपायुक्त महोदय को, पटवार व कानूनगो एसोसिएशन को अकेला ना समझे,
सर्व कर्मचारी संघ का 187 सिपाही, जहां लट खाने की जरूरत होगी वहां लट खाएंगे, और अगर लट मारने की जरूरत पड़ेगी तो सर्व कर्मचारी संघ का 187 सिपाही लट मारने का काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद करते हुए, नारे लगाते हुए मैं अपील करूंगा इस प्रदर्शन को यही समाप्त करते हुए सभी साथी वरना धरना स्थल पर जाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक अपील करूंगा साथियों, आप पूरे जोश में जिस प्रकार से लगातार आंदोलन करते हुए आ रहे हो, उसी जोश में इस बिल्डिंग को गुंजाने का काम करते हुए एक एक साथी जोर से नारे लगाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद।